गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू आर वॉचिंग वीडियो ऑफ क्लास 6 चैप्टर 1 नोइंग आवर नंबर्स। सबसे पहले हम इस चैप्टर की जो बेसिक चीज़ें हैं उनको समझेंगे। तो इसमें जो सबसे पहले जो बेसिक जो चीज़ है वो है इंडियन सिस्टम। जो इंडियन सिस्टम है उसमें नंबर्स को इंडियन नंबर सिस्टम में कैसे रीड आउट किया जाता है, कैसे नंबर नेम राइट किया जाता है, उसमें कोमा कैसे पुट किया जाता है, वो अब हम यहाँ पे समझेंगे। इसको समझने के लिए मैं एक वैल्यू ले लेती हूँ, कोई भी डिजिट हम यहाँ पे लिख लेते हैं 4 5 7 2 1 4 6। तो सबसे पहले हम जो इस डिजिट को रीड आउट कैसे करेंगे, उससे पहले हमें इसकी प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या है। तो इसको हम पीरियड में डिवाइड करेंगे। जो इसकी फर्स्ट 3 डिजिट हैं उन फर्स्ट 3 डिजिट को हम यूनिट पीरियड में रखेंगे। यूनिट पीरियड भी बोल सकते हैं आप इसे, या फिर वंस प्लेस भी बोल सकते हैं। उसके बाद की जो सेकंड 2 डिजिट हैं उनको हम 1000 पीरियड में रखेंगे, और नेक्स्ट जो 2 डिजिट हैं इनको हम 1 लाख पीरियड में रखेंगे। और उसके बाद की जो डिजिट है वो है करोड़ पीरियड। ये जो यूनिट पीरियड है, ये इसमें जो 3 डिजिट हैं वो हैं वंस, टेंस एंड 100। अब हम इसे इन सभी डिजिट की हमें प्लेस वैल्यू पता चल गई कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या है। तो इस प्लेस वैल्यू से हम इसको रीड आउट कर सकते हैं। तो ये 3 है, 3 कौन सी प्लेस वैल्यू पे है, करोड़ पे, तो 3 करोड़ हो गया। 45 जो है वो लाख पीरियड में है, तो 45 लाख हो गया। और 72,000 पीरियड में है, तो ये 72,000 है। और ये जो इसे रीड आउट करेंगे ये 100 पे है, 4 टेंस पे है और 6 वन पे है, तो 146। तो अब हम इन नंबर को अगर नंबर नेम में राइट करना है तो कैसे करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 3 लेंगे, 3 जो है वो करोड़ में है, तो हम क्या लिखेंगे, थ्री करोड़। नेक्स्ट जो डिजिट है आपकी 45, 45 जो है वो कौन से पीरियड में रीड आउट करें हम, लाख में, तो हम यहाँ लिखेंगे 45 लाख। एंड नेक्स्ट जो डिजिट है वो है 72,000। एंड नेक्स्ट जो है उसे हम रीड करेंगे 146। इस तरह से हमें इसका नंबर नेम भी राइट कर दिया। अब नंबर नेम राइट करने के बाद अब हम इसे ये देखें कि इसके इसमें कोमा कैसे पुट करना है। तो कोमा पुट करने के लिए हमें यही नंबर हम ले लेते हैं, और इसी में कोमा पुट करके बताती हूँ। कोमा पुट कर इंडियन नंबर सिस्टम में कोमा पुट करने के लिए सबसे पहले जो फर्स्ट 3 डिजिट हैं उसके बाद एक कोमा आता है, उसके बाद 2 डिजिट के बाद फिर 2, फिर 2, इसी तरह से 2 डिजिट के बाद कोमा लगता जाता है। तो इसी तरह से हम एक इंडियन नंबर सिस्टम में प्लेस वैल्यू अगर हमें पता हो तो हम उसको नंबर नेम भी राइट कर सकते हैं और उसमें कोमा भी पुट कर सकते हैं। आई होप आपको इंडियन नंबर सिस्टम समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से अगर कोई नंबर इंडियन नंबर सिस्टम में किसी डिजिट को रीड आउट करना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। काइंडली सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल गुरु रामदास कॉन्वेंट स्कूल फॉर ऑल अपडेट्स। थैंक यू।